आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेजर्स एंड अंडर ग्रुप के बारे में। टेलीप्राइम के इस कोर्स में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था लेजर्स कैसे बनाना है, कैसे लेजर को अल्टर करेंगे, कैसे लेजर को डिलीट करेंगे और किस लेजर के अंडर ग्रुप में क्या रहेगा। लेकिन सपोज आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो रेंट लेजर का। रेंट में दो तरह के रेंट होते हैं, एक आपका ऑफिस रेंट और दूसरा फैक्ट्री रेंट। जब भी आप ऑफिस से कोई भी एक्सपेंस करते हो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आता है। याद रखिए ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और फैक्ट्री से कोई भी एक्सपेंस होता है तो वह डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में आता है। अब ऑफिस में ऐसे कौन कौन से एक्सपेंस हैं जो ऑफिस से करते हो, याद रखिए ऑफिस एक्सपेंस होते हैं टेलीफोन बिल एक्सपेंस जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। इसका लेजर बनाते समय आप अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस इसका भी आपका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा और जो ऑफिस से सैलरी दी जा रही है वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आएगा। ऑफिशियल जितना भी एक्सपेंस होते हैं सभी के सभी आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। वैसे ही ऑफिस रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, लेकिन ऑफिस रेंट के लेजर को टैली में जब एंट्री पास करते हैं तब हम रेंट लिखेंगे। बस जब हम रेंट लिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि रेंट मतलब ऑफिस रेंट होता है। याद रखिए टैली में ऑफिस रेंट हम लोग नहीं टाइप करते हैं, हम टैली में ऑफिस रेंट की जगह रेंट लिखते हैं, जिससे कि आपको समझना है कि ये आपका ऑफिस रेंट है। रेंट का अंडर ग्रुप आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। लेजर कैसे बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है और ये सारे लेजर के अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालना है जो आपको ऑफिस रेंट के ऊपर दिख रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में आप कौन कौन से लेजर ला सकते हैं। जैसे आपका हो जाएगा वेजेस एक्सपेंस, दूसरा हो जाएगा आपका पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस और तीसरा हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल परचेज का भी आप एक्सपेंस ले सकते हैं जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं और फैक्ट्री का रेंट भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। याद रखिए सो ये सारे लेजर आप बनाएंगे, बहुत सारे लेजर मैंने आपको बताए हैं जिनका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे बहुत सारे लेजर आप बना सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेजर के बारे में जिसका नाम है डिप्रिसिएशंस। डिप्रिसिएशंस होता क्या है आपके लिए ये नया होगा, आपने शायद पहली बार सुना होगा इसका नाम। हम आपको बता दें इसे हम घसारा भी बोलते हैं, इसका हिंदी अर्थ होता है मूल्यह्रास। ये भी आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में, ये भी आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आपने अपने ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है, जैसे डिप्रिसिएशन हमेशा याद रखिए जब आप कोई भी एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए ऑफिस में लाते हैं या फिर उससे यूज़ करते हैं तो अपकॉस उसकी वर्किंग लाइफ होती है। जैसे उसकी वर्किंग लाइफ 9 ईयर्स है या फिर 8 ईयर्स है या फिर 5 ईयर्स है, उसके हिसाब से उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट किया जाता है। आगे चल के हम जानेंगे कैसे कैलकुलेट होता है, प्रैक्टिकली देखेंगे टैली में कैसे प्रैक्टिकली इसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन आपको बताऊं कि 25,000 में हमने कंप्यूटर खरीदा, लेकिन 9 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी कम होने वाली है यहाँ पे अमाउंट में आपको दिखाई दे रहा है। 9 साल के बाद आफ्टर 9 ईयर्स उसकी वैल्यू इतनी होने वाली है, तो ये जो अमाउंट कम होता है इसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अफकोर्स आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो हर साल उसका कुछ अमाउंट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, वो आपके अकाउंट के लिए अच्छा रहता है। जब आप फाइनलाइज करोगे 31 मार्च को, जब आप अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट जिसे हम बोलते हैं 31 मार्च को क्लोजिंग किया जाता है, याद रखिए तो उस टाइम पे डिप्रिसिएशन एंट्री पास करनी होती है
और डिप्रिसिएशन एंट्री कैसे पास होती है, हम प्रोडक्ट के ऊपर कैसे चार्ज करने वाले हैं, कैलकुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को टैली के अंदर प्रैक्टिकली डिप्रिसिएशन का एंट्री पास करेंगे तो समझेंगे। फिलहाल इसका अंडर ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये ऑफिस एक्सपेंस के तौर पर माना जाता है, इसलिए डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिप्रिसिएशन के बाद डिप्रिसिएशन रिजर्व फॉर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के लिए डिप्रिसिएशन रिजर्व करना यानी क्या करना, अभी डिप्रिसिएशन तो कंप्यूटर पे होने वाली है, कंप्यूटर की वैल्यू 25,000 से 9 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू इतनी होने वाली है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, हर साल आपका जो भी महीने का या फिर साल का अमाउंट है उससे कुछ अमाउंट आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। उसको नया कंप्यूटर खरीदने के लिए आपको पता है कि 9 साल बाद इस कंप्यूटर की वैल्यू 0 होने वाली है। जब आप इसको बेचोगे या फिर आप OLX पे बेचोगे, उसकी वैल्यू उतनी नहीं आएगी जितने आप नए खरीद सको। आगे चलकर कंपनी के लिए उसके लिए कुछ अमाउंट रिजर्व करने होते हैं। इसको डिप्रिसिएशन के अगेंस्ट याद रखिए, आपका कंप्यूटर का अमाउंट जो कम होते जा रहे हैं उसके अगेंस्ट आप रिजर्व करते जाओगे, उस अमाउंट को रिजर्व एंड सरप्लस कहा जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस इसका अंडर ग्रुप रहेगा। सो जब कभी भी आपको लेजर बनाने के लिए आएगा डिप्रिसिएशन रिजर्व फॉर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए जो अमाउंट डिप्रिशिएट हो रहा है, जो रिजर्व हो रहा है अमाउंट, सो वो अमाउंट आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर डालना है। याद रखिए वैसे ही आप ले सकते हैं डिप्रिसिएशन रिजर्व फॉर फर्नीचर। फर्नीचर आपने खरीदा है तो आफ्टर 9 ईयर्स ऑफकोर्स उसका डिप्रिसिएशन अमाउंट कम होने वाली है। मैंने आपको दिखाया और आप समझ सकते हैं कि इसके लिए भी हमें अमाउंट पहले से रिजर्व करना होगा। जो जो रिजर्व अमाउंट है आप उसका रिकॉर्ड रखोगे, उसके लिए लेजर कौन सा है, अंडर ग्रुप कौन सा है, मैंने आपको बता दिया। लेजर का नाम है डिप्रिसिएशन रिजर्व फॉर कंप्यूटर और उसका अंडर ग्रुप रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा। इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे टैली में एंट्री करके आगे। अब हम लोग जानने वाले हैं लोन फ्रॉम बैंक, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो ऑफकोर्स बैंक ऐसे तो लोन देगी नहीं, आपको सारे डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी देने पड़ेंगे, सारे आईडी प्रूफ भी देने पड़ेंगे, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपको कुछ कागजात भी देने पड़ेंगे, कुछ कागजात घर के गिरवी भी रखने पड़ते हैं, होम लोन ले रहे हो आप, नहीं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे, उसे हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। बैंक आपको ऐसे लोन देने वाली नहीं है, आप बैंक के पड़ोसी भी हो और 10 साल से बैंक के बगल में रहते हो तो भी आपको बैंक लोन नहीं देगी, क्योंकि बैंक आप पे वैसे ट्रस्ट करने वाली नहीं है, आपके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट ही देने पड़ेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। लेकिन जब आप अपने दोस्तों से लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से आप लोन लेते हैं या फिर आप अपने रिलेटिव से लोन लेते हैं तो वो आपका हो जाता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हम कोई अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को नहीं देते हैं, सिर्फ अमाउंट को ले लेते हैं और फिर जब वापस करने का टाइम आता है तो वापस कर देते हैं, उसे हम लोग अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। लोन फ्रॉम फ्रेंड का अंडर ग्रुप रहेगा आपका अनसिक्योर्ड लोन, तो इस टाइप के जितना भी लोन होगा आपको उसके अंडर में डालना है अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पे कुछ लेजर आपके सामने में दिख रहे हैं, आपको आपके सामने में यहाँ पे रेंट का लेजर है जिसके अंडर ग्रुप मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री रेंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ग्रुप में आता है। उसके नीचे लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ग्रुप में आता है। उसके बाद डिप्रिसिएशन रिजर्व फॉर कंप्यूटर है, जो कि मैंने आपको बताया जिसके अंडर ग्रुप में आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है डिप्रिसिएशन रिजर्व फॉर फर्नीचर, जिसके अंडर ग्रुप में आपका रिजर्व फॉर सरप्लस आएगा, जो कि मैंने आपको पीछे बताया अभी तुरंत।
उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लोन फॉर ICICI बैंक। यदि आप बैंक से कोई भी लोन लेंगे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी है। तो जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट देंगे तो वो आपका हो जाएगा सिक्योर्ड लोन। नेक्स्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है लोन फ्रॉम फ्रेंड। फ्रेंड को हम लोग कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, सिर्फ अमाउंट ले लेते हैं, तो वो आपका अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपको पता ही रहेगा, नहीं किया आपने अब तक तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप अच्छा रिटर्न्स चाहते हैं अपने सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है और इसमें लार्ज कैप जो फंड रहता है वह अच्छा रहता है। अलग अलग फंड हैं, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब हैं, लेकिन लार्ज कैप आप इन्वेस्ट करते हो तो डेट विल बी गुड। तो मैं आपको इतना बता दूं, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका अंडर ग्रुप आपका टैंजेबल एसेट्स रहेगा, जिसका कि हम लोगों ने ग्रुप भी बनाया था और उसके अंडर में आपका फिक्स एसेट्स के अंडर में आता है। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स में आएगा और टैंजेबल में भी हम लोग लाते हैं, क्योंकि हम लोग फर्नीचर को छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, मतलब जो भी आपका विजिबल है और टच कर सकते हैं वो आपका टैंजेबल में आ जाएगा। वैसे ही आपका कंप्यूटर भी टैंजेबल एसेट्स में आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है लाइव स्टॉक, ये आपके लिए नया हो सकता है। लाइव स्टॉक क्या होता है, यदि आपके पास भेड़ बकरी है या फिर काऊ है तो वो आपका लाइव स्टॉक उसको बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग टैंजेबल एसेट्स में भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल जैसे कंपनी का नाम हो गया, बिना आप कंपनी के परमिशन से आप उसका नाम यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ अमाउंट बनता है, तो वो आपका इंटैंजिबल एसेट्स में आएगा। कॉपीराइट है, आप किसी से बिना पूछे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर कॉपीराइट का केस हो जाएगा। यदि केस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क भी आपके कंपनी के लिए होता है, आपको मिलता है तो उसमें भी कुछ अमाउंट आपका बनता है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे है आपका प्रीटी कैश। प्रीटी कैश में क्या होता है कि आप स्मॉल अमाउंट का एंट्री कर सकते हैं, जैसे बड़ा अमाउंट है तो उसके लिए हम लोग कैश यूज़ करते हैं, बट छोटा अमाउंट जैसे आपका टी का एक्सपेंस हो गया या फिर स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, तो उसके अंडर में आपको उसका लेजर बनाना है प्रीटी कैश में, उससे हमको खर्च करना है। कैसे हम लोग प्रीटी कैश में पैसे को डालेंगे वो हम लोग आगे सीखेंगे, तो उसका अंडर ग्रुप आपका कैश इन हैंड आता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या होता है, जैसे आप कहीं पर रूम ले कर रहते हैं और आपको आपके मालिक ने बोला कि आप जो है हर एक मंथली पेमेंट मत करिए, आप 11 मंथ का एक ही बार पेमेंट कर दीजिए, तो आप एक ही बार यदि पेमेंट कर देते हैं तो आपको एंट्री तो हर मंथ में करना है, तो आपका क्या होगा कि कुछ अमाउंट आपका प्रीपेड रेंट से कटते जाएगा, कैश से आपका नहीं कटेगा क्योंकि आपने पहले से अमाउंट दे के रखा है। तो आपको प्रीपेड रेंट का जब भी आप लीजर बनाएंगे तो उसके अंडर ग्रुप में आपको करेंट एसेट्स रखना है, जो कि आपका कैश भी आपका करेंट एसेट्स के अंडर ग्रुप आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एडवांस गिवन टू मिस्टर कैलाश। ये क्या होता है, अभी क्या है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय को रखा हूँ, 2-3 एम्प्लॉय को, और किसी एम्प्लॉय को हमने एडवांस पेमेंट कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, आपका लोन एंड एडवांस के अंडर ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के अंदर में परचेज अकाउंट ही रहता है ग्रुप, और सेल अकाउंट के अंडर में सेल अकाउंट रहता है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पे लेजर को बनाएंगे, किस लेजर के अंडर ग्रुप में क्या रहेगा, आप इसका प्रैक्टिस करिए तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में पूरा का पूरा थ्योरेटिकली पार्ट था, तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।